उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 की फाइनल आरक्षण सूची को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी पंचायत चुनाव 2021 बदली जाएगी आरक्षण की सूची। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 27 तक संशोधित सूची जारी करने का निर्देश। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से बदली जाएगी आरक्षण की सूची और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर क्या निर्देश जारी किया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची में खामी को लेकर सरकार ने अपनी गलती मानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के तृतीय पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि वर्ष 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इस पर राज्य सरकार ने स्वयं कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक तृतीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश भी पारित किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची में बदलाव किया जाएगा। कोर्ट ने पंचायत राज विभाग को 27 मार्च तक संशोधित सूची जारी करने का निर्देश के साथ ही पंचायत चुनाव को 25 मई तक संपन्न कराने को कहा है। इसी बीच आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के तृतीय पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण पूरा करने का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि 2015 को आधार वर्ष मानकर तृतीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर हैं। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने माना कि सरकार की आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई। ये तथ्य सामने आने के बाद कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश भी दिया। प्रदेश सरकार इससे पहले 17 मार्च को ही आरक्षण की संशोधित सूची जारी करने की तैयारी में ही। इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी कहा गया कि आरक्षण लागू करने के संबंध में 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005, 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए थे, लेकिन 16 सितंबर 2015 को एक शासन आदेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय साल 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू करने प्रक्रिया अपनाई गई थी। याचिका में कहा गया कि युक्त शासन आदेश में ये भी कहा गया है कि साल 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में भौगोलिक बदलाव हो चुका है, लिहाजा 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं होगा। इसमें कहा गया कि 16 सितंबर 2015 के युक्त शासन आदेश को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार ने 11 फरवरी 2021 का शासन आदेश लागू कर दिया। इसके लिए 1995 को ही मूल वर्ष माना गया, जबकि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के शासन आदेश के अनुसार ही संपन्न कराए गए थे। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने तृतीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को 15 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।